press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum. Aaj Khrian Khrian mein baat karenge us fauji joote ki jiski numaish ek journalist TV ke talk show mein fauji hukumat ke wazir Faisal Wada ne ki aur iske alawa dusra mauzu bhi fauji joote hi ke bare mein. Lekin ye joota is baar siyasadanon ki bajaye fauj ke ek 3 star journal ke sar par itne zor se pada hai ki iske dhamake se is journal ke biwi bacche bhi mutasir hue. बात शुरू करने से पहले उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे YouTube चैनल RMTV लंदन को सब्सक्राइब किया और अब हमारे सब्सक्राइबर की तादाद 95,000 से बढ़ गई है. 1,00,000 वाला हदफ जो है बहुत करीब है. इसके लिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और ऑल वाला आइकन उसे भी क्लिक करें ताकि हमारे जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाया करें. फैसल वावड़ा के बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है कि इसका जन्म स्थान कौन सा है और इसने किस स्कूल और कॉलेज की दीवारों को फलांग कर तालीम हासिल की. लेकिन इसकी गुफ्तगू और सियासी जो बयानात हैं और उसका जो चाल चलन है उससे अंदाज़ा होता है कि इसकी तरबियत में काफ़ी कसर रह गई है. अगर इसके वालदैन अभी हयात हैं तो वो यकीनन इसकी बूट पॉलिश सियासत और तिजारत पर काफ़ी शर्मिंदा होंगे. ये ख़ुद तो शर्मिंदा होने वालों में से नहीं है क्योंकि अगर इसमें शर्मिंदगी वाला जो बैक्टीरिया है वो होता तो ये धरना पार्टी में इतनी जल्दी से तरक्की कभी न करता. कल जब इसने जर्नली टीवी के टॉक शो में अपने सियासी मुखालफिन को शर्मिंदा करने के लिए या यूं कह लें कि शर्म और हया दिलाने के लिए एक फौजी बूट की नुमाइश की तो उस पर पाकिस्तान के मीडिया में एक कोहराम समझ गया. टीवी पर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह फैसल वावड़ा की इस घटिया हरकत पर तबसरे हो रहे हैं. टॉक शो में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और नून लीग के नुमाइंदे दोनों ने जूता छुपाई वाली रस्म को जूता नुमाई में तब्दील करने पर एतराज़ भी किया और फिर इस तकरीब से वॉकआउट भी किया. लेकिन टीवी जो इस शो का मेज़बान था काशिफ अब्बासी उसने अपने शो की इस तारीखी बेइज्जती पर न कोई एतराज़ किया और न ही अपने स्टाफ से कहा कि वो इस जूते को कम अज़ कम कैमरे की आंख से ही ओझल कर दें. ज़ाहिर है इस फौजी जूते को टीवी स्टूडियो से निकालना तो इस मिस्कीन एंकर के बस में नहीं था क्योंकि इसको तनख्वाह देने वाले की अपनी दाल रोटी इसी जूते की मरम्मत और पाली से चल रही है. इसे अच्छी तरह पता था कि यह जूता किसने भिजवाया और इसकी नुमाइश का असल मकसद क्या है. फैसल वावड़ा ने यह जूता बर्दारी वाला काम क्यों किया इस पर ज़्यादा तबसरा करने से पहले मैं आपको लखनऊ के एक नवाब का किस्सा सुनाता हूँ. बहुत ही दिलचस्प भी है और इससे आपको इमरान नियाजी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो जनरल बाजवा को लुभाने वाली जो कश्मकश चल रही है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा और आर्मी एक्ट में जो तरामीम है उनके हवाले से अपोजिशन के सियासी चाल चलन की समझ भी आएगी. लखनऊ के एक नवाब साहब के पास दौलत भी बेशुमार थी और घर में खूबसूरत मनकूहा के अलावा हर तरह की आसाइशें भी थीं. नवाब साहब सब कुछ होने के बावजूद शाम के वक्त अपने एक दोस्त के साथ घर से चले जाया करते थे और फिर रात गए वापस आया करते थे. बीवी उनकी इस बेरुखी और बेनियाजी से बहुत परेशान थी. उसने अपनी एक नौकरानी से जो कि उसके लिए ISI का जो है वो काम किया करती थी उसे कहा कि नवाब साहब की जासूसी करो और जब ये घर से निकले तो इनका इस तरह ताकुब करना कि इन्हें पता ना चले और देखो कि नवाब साहब रात गए तक कहाँ मौज मेला करते हैं. अगली शाम जब लखनवी नवाब साहब के दोस्त ने आवाज़ दी और नवाब साहब अपनी शेरवानी के बटन बंद करते हुए और टोपी को और तिरछा करते हुए घर से निकले तो पीछे पीछे नौकरानी भी चल दी. नवाब साहब और उनके दोस्त गप्पे लगाते हुए और रास्ते में फूलों के गजरे खरीद कर बाजारे हुस्न पहुंच गए. नवाब साहब अपनी माशूका के कोठे पर चढ़ गए और नौकरानी ने उस कोठे पर काम करने वाले फैसल वावड़ा टाइप कारिंदे से पूछा कि इस कोठे पर तमाशबीनों को क्या क्या सहूलियात दी जाती. नौकरानी फिर ये सारी तफसील लेकर हवेली वापस आ गई और मालकन को बताया कि नवाब साहब एक तवायफ के पास जाते हैं और उसे गाना भी सुनते हैं, मुजरा भी देखते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं. नवाब साहब की बीवी भी बहुत सियासतदान थी. उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया
कि ऐसी क्या कमी है घर में जिसकी वजह से नवाब साहब उस कोठे पर जाते हैं। अगले शाम जब नवाब साहब के दोस्त ने उन्हें आवाज़ दी, जैसे ही नवाब साहब ने अपनी शेरवानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उनकी बेगम ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि इस कमरे में आएँ, मैंने एक ज़रूरी बात करनी है। नवाब साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कमरे में मुजरे का सेट लगा हुआ है। नवाब साहब ने हैरत से अपनी बेगम की तरफ देखा तो बेगम ने कहा कि आप थोड़ी देर इस गाँव तकिए के साथ टेक लगाकर इस मशरूब की चुस्कियाँ लगाएं और मैं अभी वापस आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की बेगम कमरे में सोला सिंगार करके दाखिल हुई और आते ही उसने प्रोफेशनल तवायफों की तरह नवाब साहब की खिदमत शुरू कर दी। पहले तो नवाब साहब बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने इस तब्दीली को इंजॉय करना शुरू कर दिया। इस दौरान इनका दोस्त बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसने तंग आकर आवाज़ दी, नवाब साहब बहुत देर हो रही है, कहीं पर आपका इंतज़ार हो रहा है। नवाब साहब ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि आप अकेले ही तशरीफ़ ले जाएं, हमने बाजार हुस्न घर पर ही खोल लिया है। नवाब साहब के दोस्त के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अकेला ही बाजार हुस्न चला गया। लेकिन जब उस मखसूस कोठे पर गया तो नायका ने देखा कि नवाब साहब तशरीफ़ नहीं लाए, तो उसने नवाब साहब की खैरियत पूछी। दोस्त ने सारी बात बता दी कि उन्होंने बाजार हुस्न घर ही में खोल लिया। नवाब साहब के यू टर्न का सुनकर तवायफ और नायका बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सोचा अगर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से चली गई तो हमारा माली मुस्तकबिल तो बहुत तारीख हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि हमारा नवाब हमारे कोठे पर वापस आ जाए। तवायफ ने नवाब साहब के दोस्त से कहा कि वो उन्हें नवाब साहब की हवेली का पता बताए ताकि वो वहाँ पर जाकर एहतजाज कर सके। अगली शाम तवायफ अपने साजिंदों को लेकर नवाब साहब की हवेली के सामने पहुँच गई और उसने अपना मुजरा शुरू कर दिया। नवाब साहब उस वक्त अपनी बीवी का मुजरा एंजॉय कर रहे थे। जब उन्होंने बाहर से गाने बजाने की आवाज़ें सुनी तो बाहर जाने लगे। बीवी ने कहा कि आप गाँव तकिए के साथ टेक लगाकर जाम नोश फरमाएं, मैं पता करती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। नवाब साहब की बेगम ने बाहर आकर बाजार हुस्न वाली तवायफ से कहा कि वो यहाँ शरीफों के इलाके में सरेआम मुजरा क्यों कर रही है। तवायफ ने जवाब दिया कि इस घर में रहने वाली एक शरीफ औरत ने हमसे हमारे नवाब साहब को छीन लिया, इसलिए हम घर के बाहर एहतजाजन मुजरा कर रहे हैं और ये मुजरा जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे नवाब साहब वापस नहीं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब इस हवाले से मुझे मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि इमरान नियाजी और इसकी सियासी तवायफें इस वक्त टीवी टॉक शोज़ पर जो पिट से आ पाए ये क्यों कर रही। आर्मी एक्ट के हवाले से अपोजिशन के लम लेट होने से इमरान नियाजी बहुत परेशान है। उसका ख्याल था कि अपोजिशन जनरल बाजवा के साथ एक पेज पर आने से इनकार करेगी और नतीजे में वो अकेला ही फौजी बूटों के जोड़े की पालिश करता रहेगा, लेकिन पीपी और नून लीग ने उसका सियासी कोठा वीरान कर दिया। उसी का एक सबूत फैसल वाडा ने टीवी पर सिर्फ एक जूते की नुमाइश करके दिया। असली तौर पर उसे लेफ्ट और राइट करने वाले दोनों जूते अवाम को दिखाने चाहिए थे, लेकिन इन सियासी तवायफों का एक जूता आर्मी एक्ट में तरमीम के दौरान गुम हो चुका है। फैसल वाडा और उसका इमरान नियाजी इस गुमशुदा जूते की तलाश में मारे मारे फिर रहे। कल वाले टॉक शो में भी गालबन फैसल वाडा दूसरे जूते की तलाश में आया था। इनको शक है कि इस फौजी जूते का गुमशुदा भाई इस वक्त अपोजिशन के पास है, इसलिए इसने नून लीग और पीपी की मौजूदगी में वो अकलौता जूता दिखाया। साथ ही इन दोनों जमातों पर बहुत तनकीद भी की, लेकिन इसकी सारी बकवास का असल मकसद अपोजिशन को शर्मिंदा करके गुमशुदा फौजी जूते को वापस ले जाकर बखैर वाफियत बन्नी गाला बूट पॉलिश स्टूडियो में पहुंचाना था। फैसल वाडा की इस जर्नैली जूता नुमाई के बाद अब बात कर लेते हैं उस जर्नैली जूते की जिसने एक 3-स्टार जर्नैल को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर कई रोज़ से ये खबर गर्दिश कर रही है कि फ़ौज के सबसे सीनियर जर्नैल जनरल बाजवा के बाद, जो कि अगले आर्मी चीफ बनने के सबसे आप कह लें कि मजबूत उम्मीदवार थे, उनसे जनरल सरफराज सत्तार से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया। इस खबर में यह भी जिक्र है कि सरफराज सत्तार और उनके अहले खाना को कई रोज़ तक उनके घर में नज़रबंद रखा गया। इस फौजी नज़रबंदी की वजह से सरफराज सत्तार को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन साथ साथ उनके बेटे का भी नुकसान हुआ और वो मेडिकल कॉलेज जाकर अपने जो इम्तिहान थे उनमें भी शामिल नहीं हो सका।
इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्विटर वाले जर्नैल ने इस खबर की अभी तक तर्दीद नहीं की, जिसकी वजह से मेरा गुमान भी यही है कि ये खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अगर ये खबर बेबुनियाद होती तो ट्विटर वाला जर्नैल, जो कि हर वक्त ट्विटर पर फौजी मुखालफीन पर गोलाबारी में मसरूफ रहता है, वो इस खबर की तर्दीद ज़रूर कर देता। जर्नैली मीडिया ने भी इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया, और ये सारे नवाज शरीफ की चहलकदमी वाली वीडियो पर ऐसे तबसरा कर रहे हैं जैसे ईरान अमरीका कशीदगी से ज़्यादा इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान की फौजी रियासत को खतरात लाहक हैं। सोशल मीडिया की खबर के मुताबिक जनरल सरफराज सत्तार के साथ होने वाले इस सलूक से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कब्ज़ा ग्रुप जनरल बाजवा की क्यादत में इस वक्त मुल्क पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए कितना बेचैन है। ये हर चीज़ उन्होंने दाव पर लगा दी। सियासी जमातों को बूट पॉलिश पर राज़ी कर लेने के बावजूद भी इनके लिए खतरात इसी तरह मौजूद हैं। अगर जनरल सरफराज सत्तार से जबरी इस्तीफा वाली बात हुई है दुरुस्त है, तो इसका मतलब यह है कि जिन जर्नैलों ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मुखालफत की थी, अब उनकी तादाद 6 रह गई है, और ये सारे अभी फ़ौज में मौजूद हैं। अपने साथी जर्नैल की इस फौजी शहादत पर ये क्या रद्द अमल देंगे ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो पर आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल RMTV लंदन सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।